do. कोई मजा नहीं आएगा भैया, खाते खाते ऐसे। इससे क्या होगा, ये जो पानी है ना, पानी जैसे हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो लीकेज होती है बहुत ज्यादा। जैसे ये देख लो इधर की साइड है ना, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, आज मम्मा के साथ मुझे बाहर जाना है, बाहर का काम है, फिर देन उसके बाद बालकनी में कुछ काम है वो करना है। तो गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आप देख सकते हो भाभी बना रही है पास्ता, नाश्ता में पास्ता, आखिरी पास्ता, ये है हमारा आखिरी पास्ता जो हमारे घर पे मिलेगा। हो गया भाभी ना? भाभी डाल देना। ब्रेकफास्ट डन हो चुका है और अभी मम्मा की हेल्प करनी है, मम्मा गमलों के लिए वो लेके आइए, प्लेट वो भी लगाना है, फिक्स करना है। एंड गाइस, पास्ता मुझे बहुत पसंद है। कॉलेज टाइम में क्या होता था, मैं और मेरे एक दोस्त था, हम पास्ता बहुत खाते थे। पास्ता मतलब वीक में वन बार खाते थे, काफ़ी कॉस्टली रहता था हमारे कॉलेज में। और हम क्या करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन करके खाते थे दोनों। एंड हम खाते थे वाइट सॉस पास्ता, और घर में तो रेड सॉस पास्ता बनाया था भाभी ने ब्रेकफास्ट में। बट वो भी यार बहुत यादें यार, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करके अपने दोस्त के साथ खाना, वो सब चीज़ अभी भी यादें आती है। जैसे आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करा ना, तो मुझे यार वो पुराने दिन याद आ गए जब हम कॉलेज में खाते थे। एंड गाइस, इसके बाद मम्मा की हेल्प करनी है, देन उसके बाद मैं एक दो घंटे रेस्ट करूँगा, देखते सो पाऊँगा या नहीं सो पाऊँगा, देन आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस, मम्मा गेट खोल लूँ? खोलो तो मम्मा। अमा इसको उठाऊं? इसको मो उठा रखे को दो, मो उठाऊं छो तो एता उन्हें मजाक कर रहा हूं वो तो नहीं नहीं दुई जना सही जन मो तो उठो तो मोसा के भीतर आनी परी ने प्लेट। अच्छा ठीक है, यू वहां से ले आया था हमने। कहां से, गांव से? अमा गए थे घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, अल्मोड़ा? अल्मोड़ा उत्तराखंड। गाइस, कभी काम खत्म नहीं होता अमा और हमारा। देखो अब ये क्या कर रहे हैं पता, हम दिखाओ ना, मैं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे रख के गमला रखेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, ये जो पानी है ना, पानी जैसे हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो लीकेज होती है बहुत ज़्यादा। जैसे ये देख लो इधर की साइड है ना, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं। गाइस, रुई का डाइट का जो खाना है ना, वो जल्दी रुई के चैनल में आएगा। ये होल व्हीट है तो ये नॉर्मल मैदा नहीं है, ये होल व्हीट है। अच्छा, होल व्हीट है, तुम खा सकते। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, आगे नहीं आता मुझे गाना। आपके साथ चैलेंज वीडियो बनाऊं, कौन सा बनाऊं बताओ? मैंने जो देखा था एक विस्पर चैलेंज, जिसमें हेडफोन्स पहन के गेस करना पड़ता है सामने वाला क्या बोल रहा है। हाँ, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन फिर हम कुछ खाने का कर सकते हैं। अच्छा, सावन खत्म होने तो चिकन का टांगड़ी रखूंगी, 10-10 कौन पता चलेगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। कोई मजा नहीं आएगा भैया, खाते खाते रोशन भैया और हम दोनों पार्टी कर रहे हैं और हम ये ड्रिंक पी रहे हैं। ये ड्रिंक बहुत बढ़िया गाइज, इसमें ना आपका फैट वेट सब शुगर वुगर बहुत कम परसेंटेज में, और कोक वोक से ये बढ़िया है। ये मुझे रोशन भैया ने सजेस्ट किया था कि कोक वोक मत पिया कर, बीच में मेरी बहुत गंदी आदत हो गई थी कोक पीने की। तो ये आता है आपका वही 70-80 रुपीज़ का है, बट बहुत वर्थ इट है गाइस, बहुत वर्थ इट है, आप भी एक बार ट्राई करना। और साथ में मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है गाइस, मुझे टमाटो फ्लेवर बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं हमेशा ये लेके आता हूँ। लेट है एंड गाइस, गुड इवनिंग। एंड जस्ट सो के उठा हूँ और एकदम से आँख लग गई है, मतलब पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। गाइस, ये वाली जो ये ना मैं ले गया था सरोजनी नगर से, तो घर में कोई आया था तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। बताने कैसा लग रहा है आपका भाई? बास्केटबॉल वाली टी शर्ट है, और जो बास्केटबॉलर जो है काफ़ी पहनते हैं। आई एम नॉट अ बास्केटबॉलर बट आई एम अ स्केटर, और जल्दी एक स्केटिंग वाली भी ड्रेस, स्केट वाला भी टी शर्ट पहनने का बड़ा मन है गाइस मेरा। मतलब मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी टाइप के ना, ऐसे सेम स्टाइल में स्केट मैं स्केट बना हुआ हूँ या स्केटिंग करता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है गाइस बिकॉज आई एम ए स्केटर। तो गाइस, मैंने मम्मा की भी हेल्प कर दी है और मैंने एक दो घंटे रेस्ट भी कर लिए, आँख लग गई पता ही नहीं चला। और अब मेरे को, आपको पता है शाम को मैं बिजी रहता हूँ। एंड गाइस, इसके बाद शाम को मेरे को पार्टी में जाना, लोगों को मैं मिलता हूँ सीधा 3 घंटे बाद, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं मुझे शाम को अकेडमी में, तो आपको सीधा मिलता हूँ 3 आवर बाद। मामा आ गए, मामा आ गए काम से। क्या हो गया इतना शांत, क्यों मेरा बच्चा
चलो बाबू भैया किन हादसे को चलो मेरे रात हो चुकी ऑलमोस्ट, तो घर में भी पूजा हो रही है, मम्मा भी पूजा कर रही है और टाइम हो गया आपका 7:20। गुड इवनिंग गाइज, एंड जस्ट अभी घर पहुंचा हो यार, और हालत देख लो मेरी कैसी हो रही है, और आज मुझे कहीं जाना है। इसके आगे का जो व्लॉग है मैं कंटिन्यू कल करूंगा गाइज, बिकॉज अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं बहुत बिजी रहूंगा, तो मैं वहाँ व्लॉग नहीं बनाऊंगा, इसी वजह से अब कल मिलते हैं गाइज, तो सीधा कल मिलेंगे, तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, और कल मैंने जैसे आपको बताया तो मैं कहीं गया हुआ था, व्लॉग नहीं कर पाया, तो कंटिन्यू कर रहा, अभी जस्ट उठा हूँ एंड मूव जो है एंड स्टार्ट कर दी व्लॉगिंग। अभी घर में कोई नहीं है, रोही भी गई हुई है और रोशन भैया और भाभी भी नहीं है, और मैं और मम्मा। गुड मॉर्निंग मम्मा, आज वेदर बढ़िया है ना? इसमें क्या रखा है लड़की ने? भाई कप केक रखा हुआ है इसमें। ओ भाई खाया नहीं इन्होंने स्पाइसी नूडल। अच्छा रेमन है ना? अरे कैलिम्पोंग लॉलीपॉप अभी भी है घर में, कितना है गाइज ये देखो आम। भैया जब से मैंगो चैलेंज वीडियो बनाया ना तब से मेरा आम खाने का मन नहीं है गाइज, बिकॉज मुझे पता है मेरे पिंपल हो गया था पूरे फेस में, पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया था। एंड गाइज मम्मा ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, मैंने उस टाइम देते हुए नहीं व्लॉग शूट कर पाया थी, रेंडमली मम्मा ने दिया और आई एम वेरी हैप्पी, और मेरे को दिया देखो इयर रिंग, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे गाइज, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे ऊपर कैसे लग रहा है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, एंड हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, 25 प्लस हो चुका है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अभी 250 वीडियोस होने वाले हैं जिसके लिए मैं अलग सा सेलिब्रेशन वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं प्रैंक वीडियो और विस्पर चैलेंज वीडियो पहले ही बता रहा हूँ, और बहुत तरीके के वीडियोस बनाने वाला हूँ, और उसके लिए मैंने मंगा रखा है माइक और मैंने ऑर्डर कर रखा है, एंड गुड न्यूज़ ये है कि माइक आई थिंक एक दो दिन में आ जाएगा। काफ़ी लोग मेरे को डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम फेसबुक में कि एक साउंड क्वालिटी थोड़ा सा आप अच्छा कीजिए और आवाज़ नहीं आ रही है। ये भी तो दिया है, ये हाँ दिखा दिया गाइस, देखो ये रहा, मैंने वहीं लगा दिया ना इसलिए दिखा नहीं पाया ना, इसलिए शूट नहीं कर पाए हम। गाइज आपका भाई का पहले वाला जो चश्मा था ना उसी में मम्मा ने लेंस लगवाया, और बढ़िया लेंस लगवाया गाइज, वो भी मेरे लिए, बिकॉज मैं काफ़ी फ़ोन यूज़ करता रहता हूँ, और ये देखो फ्रेम वही है, और इसका जो लेंस है वो चेंज करवाया मम्मा ने मेरे लिए स्पेशली कि बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे में दो दो गिफ्ट हो गया मेरा, थोड़ा अपडेट के लिए था कि आगे आने वाले टाइम पे ये वीडियोस आने वाले हैं, Q&A 2 वीडियो भी आने वाला है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ना यार, वापस कमेंट करो ठीक है, पुराने मैसेजेस मिल नहीं रहे हैं, वैसे मैं Q&A के लिए मैसेज जो पुराने हैं वहाँ से निकाल रहा हूँ स्क्रीन शॉट क्या क्या सारे चीज़ें, तभी भी आप प्लीज़ अगेन कमेंट डाउन बिलो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। गाइज आई थिंक इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, आज का वीडियो पता नहीं कैसा बना होगा, एंड आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आजकल मुझे कभी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कहीं बाहर जाके व्लॉग बनाना चाहिए, डेफिनेटली बनाना चाहिए, और मैं चाहता हूँ गाइज ये कि फैमिली के साथ ही बनाऊँ, बिकॉज फैमिली के साथ ना बॉन्डिंग ही अलग लेवल की, अलग ही लेवल की कहते हैं ना, बहुत मज़ा आता है हमारे घर में, सब एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, बिल्कुल सब चीज़ शेयर करते हैं, जैसा भी सिचुएशन है हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ है। एंड सो गाइज इतना ही है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पे नए गाइज अभी जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, तो मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक ले बाय बाय एंड लव यू गाइज, ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। I'm not afraid of the dark.